शांति। आज की तारीख है 23/1/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे कदम कदम पर श्री मत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे, ब्रेन वाले माना अच्छी बुद्धि वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात समझ सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्री मत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्री मत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। नंबर 2, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान सतगुरु का अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाबा कहते हैं कि कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः ही आती है। बाबा कहते हैं ऐसा हमारा चाल चलन होना चाहिए जो हमको देखकर, हमारे भाग्य को देखकर अपने आप उनको भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता बाप की याद आवे। स्लोगन है, अपनी रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।